got? जी भाई साहब, दोनों जिंदा है ना? बस आपके हुक्म का इंतजार है। तुम जानते हो कि बेलगाम जानवरों का क्या अंजाम होता है? जी जानता हूं। इस शहर में जितने भी काले धंधे होते हैं, तुम सब इनकी करता धरता हो। पहले ही दिन फैसला हो गया था। कि जो करना है करो, जितना कमाना है कमाओ, लेकिन एक काम भूल कर भी मत करना, और वो काम है मुंशियात का। ये जो दो कुर्सियां तुम्हें खाली नजर आ रही, ये उन लोगों की हैं जो उस फैसले के खिलाफ गए। आइंदा जो भी इस फैसले के खिलाफ जाएगा, उसकी कुर्सी खाली नजर आएगी। आप लोगों को कुछ कहना है? का टाइम हो गया, रोटी ले आऊं तेरे लिए? चौधरी से मिलना जाके, मैंने जरूरी काम है, उसके बाद खाते हैं। अच्छा हाँ, तेरी मर्जी। चौधरी साहब, दिलावर आया। छोटा सा घर तुझको दूंगा। ए काका, बंद कर।
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी जी, इस महीने की किस्त के बाद मेरे कितने पैसे बचते हैं? भाई देखो दिलावर, इस महीने की किस्त निकाल के ना पूरे 5,20,400 रुपये तेरी तरफ निकलते हैं। 6 महीने पहले तो 4 लाख रुपए थे, मैं तो सारी किस्तें भी वक्त पे दी हैं। जरा हिसाब किताब देखना, शायद कोई गलत फहमी हो गई हो। ओए गलत फहमी हमें नहीं, गलत फहमी तुझे हो रही है। हमारा साहब बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल ठीक, फिक्र ना कर। कैसे चौधरी साहब, मैं तो सारी किस्तें पूरी पूरी दी है वक्त पे, एक काम होने के बजाय बढ़ कैसी रही है? जो रकम ली थी पूरी वापस नहीं की, लिहाजा तुझ पे सूद दर सूद दर सूद दर सूद चढ़ता जा रहा है। चौधरी साहब, मैं गरीब बना, मेरी भी इतना जुल्म ना करो, ऐसे तो मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो ये पैसे मांगने से पहले, कर्ज लेने से पहले सोच रहा था। जो ऐसा बात जाती कर रहे हैं, क्या कर? मैं जाती कर रहा हूं। क्या कहा तूने? मैं ज्यादती कर रहा हूं। ओए अगर मैं ज्यादती करने पे आया ना तो तुझसे तेरा घर बार तेरे खेत खलियान सब कुछ खोलूंगा और तेरा पियू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्या समझा? ओए आंखें नीची कर, वरना यहीं पे जमीन पे गाड़ के रख दूंगा मैं तुझे। तो क्या हो गया है? क्यों मार रहे बेचारे को? भाई बेचारा नहीं है ये, आस्तीन का सप है, सप। पहले तो इनकी मदद, इनको पैसा दो और फिर इनकी तरह तरह की बातें भी सुनो। तो कटा चार से मार तुम ऐसे। और बस करना बा, चले दिलावर घर जा, अब्बा का मुंह ठीक नहीं है। उठ, उठ। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, अगर आज के बाद तेरे मुंह से ज्यादती का लफ्ज निकलाना तो तेरा यही मुंह काला करके खोते पे पाऊंगा और पूरे पिंड का चक्कर लगाऊंगा, क्या समझा? चल जा निकल। इतनी जल्दबाजी ना किया कर अब्बा, ठंडी करके खाया कर। ओए काका, इन कमी कमीनों को काबू में रखना पड़ता है, अगर ये सब कुछ ना ना करें तो फिर हमें चौधरी किसने कहना, क्या समझा? वो तो कौन कहता करो बा, थोड़ा सबर करो, इन पे अपना सूद है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगा तो इनकी जो जमीन है वो भी हमारी हो जाएगी, फिर समझे कि नहीं? गाना लाए।
खाना तो बड़ा मजेदार बनाया। तूने बनाया? ना मैंने नहीं, तेरी अम्मा ने बनाया। मैं तो तब बनाऊंगी जब तू मुझे सोने के झुमके और लॉकेट लेके देगा। ले दूंगा, अगले महीने ले दूंगा तुझे। अगर अब से महीना 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 लगा हुआ है, तेरा महीना पता नहीं कौन से सन में आना है। मेरी जान का आना, करता हूँ कुछ ना कुछ, तू फिक्र क्यों करती है? ना दिलावर, मेरी मान ना, तू चौधरी से उधार ले ले। तू इतना तो मेरे लिए कर सकता है ना? चौधरी से कर्जा नहीं ले सकता मैं, और सूद मिला के पहले ही कर्जा इतना बढ़ चुका और आज तो उन्होंने ना। तुझे ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, अगर तुझे मेरी परवाह हो ना तो तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। ऐसी बात नहीं है लाजो, तुझे देख देख के तो जीता हूँ। कभी अपने आप को देखना मेरी नजरों से, तेरा क्या मुकाम है। सबसे बढ़ के तुझसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ना ऐसी मोहब्बत का चार डाल ले जो कोई ख्वाहिश ही ना पूरी कर सके। ना दिलावर, तू भी चौधरियों की तरह अमीर होता ना, तू इस पूरे गांव में ना महारानियों की तरह रहती। मैं सबसे महंगे कपड़े और जेवर मेरे ही होते। और तू तो मेरे लिए रानियों से भी बढ़ के है। तुझे कहा ना, खुद को मेरी नजरों से देख। ना ऐसे बातों से काम चलता होता ना तो हर गरीब के पास ना करुण का खजाना होता। ना तू रहने दे, तेरे से कुछ होना ही नहीं। कहाँ जा रही है? दो चार मिनट मेरे साथ बैठ के खाना ही खा ले, दो चार नवाले ही खिला दे मुझे। ना तू खुद खा ले, समझ ले मैं ही खिला रही हूँ। हाँ जा रही हूँ मैं, रब राखा। आज इतनी देर लगा दी आने में? ना दिलावर, तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किलों से आई हूँ मैं तेरे लिए। उस लंगूर की भी ना किस्मत है, ना उसके पास अक्कल है, ना दौलत है, ना शौहरत है, फिर भी तुझ जैसी हूर परी मिली है उसे। अच्छा तो तेरे पास तो सब कुछ है ना, तू क्यों नहीं कर लेता मुझसे शादी? तू क्यों नहीं देता मुझे अपना नाम? वो करूंगा करूंगा, वक्त आने दे, सब करूंगा। यही कहता रहता है बस तू। ना सच बता, तो कहीं मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगा? बीच रास्ते में कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा? ओ नहीं। सौ कहा? ओ मैं तेरे लिए एक दिलावर तो क्या, पूरे गांव को भी नथ डाल दूं। बातें तो बड़ी चिकनी चुपड़ी करता है। अब छुआरी है, जा शाम को डेरे पे मिली, जल्दी जा। तेरे मुंह से मेरी लाजो के खिलाफ एक और लफ्ज निकला ना, इधर ही गाड़ दूंगा तुझे। वैसे दिलावर पुत्र, अपनी बीवी पर ना सख्ती कर। बड़ी जल्दी में लग रही है, कुछ बुरा हो गया क्या? नहीं, बुरा क्या होने, वो बस कार जाने की जल्दी है ना, इस वजह से। गलत रास्ते पे चलेगी ना तो ऐसा ही होगा। ना की मतबल है तेरा? कहना क्या चाहती है तू, साफ साफ क्यों नहीं कहती? मेरा मतबल है कि ये रास्ता तो तेरे घर की तरफ जाता ही नहीं है, तू गलत रास्ते से कार जा रही है। हाँ वही, मैं ना वो सोचा विच गुम सी ना, ते पता ही नहीं चला। चल मैं फिर चलती हूँ, देर बड़ी हो रही है, फिर मिलते हैं। गुम तो तू हो चुकी है लाजो, अब देखना ये है, मिलती हो या लापता होती हो। क्या बात है, कोई नाराज किया मुझसे?
तुझे मैंने कितनी बार समझाया, रास्ता रोका कर मेरा। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे देख के अनदेखा ना किया कर। लगता है तेरे बाप से बात करनी पड़ेगी, तू ऐसे बाज नहीं आएगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरे बाप से बात करे और मेरा हाथ मांग ले। दिलावर मैं नल व्याह करा ले, मैं तेनु कदे धोखा नहीं दांगी, तेरे नाल हमेशा प्यार करांगी। चुप कर, दिमाग खराब है तेरा। तू भी राजू की बराबरी करेगी, तू उसकी जूती के बराबर भी नहीं है, चल हट पीछे। ऐसा क्या है उस लाजो में जो मुझ में नहीं है? उससे बढ़कर हसीनू, उससे बढ़कर तुझे प्यार करती हूँ, और क्या चाहिए तुझे? जो कुछ मुझे चाहिए ना वो मुझे मेरी लाजो से मिल जाते, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। मेरा उससे दिल का नहीं रूह का रिश्ता है, जान बसती है मेरी उसमें, चल हट पीछे। जिस पर तू अपनी जान छिड़कता ना वो तेरे काबिल नहीं है, प्यार व्यार नहीं करती वो तुझसे, वो तेरी सगी नहीं है, मैं तुझे बता रही हूँ, वो सिर्फ तेरे साथ वक्त गुजारी कर रही है। तेरे मुंह से मेरी लाजो के खिलाफ एक और लफ्ज निकला ना इधर ही गाड़ दूंगा तुझे। दिलावर मेरा दम घुट रहा है। अल्लाह करे कि इस दफा फसल अच्छी हो जाए, पिछले साल की तरह नुकसान हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जानी है फिर। अल्लाह बड़ा बादशाह है अम्मा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ पुत्र इंशाल्लाह। हाँ भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है? बस लाला मैं ठीक हो जाऊँ फिर तू दो चार हफ्ते आराम करें, खेतों को मैं अकेला ही देख लूंगा। लाले की जान हूँ ना खेत देखने के लिए, फिक्र ना कर, लेकिन जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तूने खेतों में कदम नहीं रखना, समझे? अच्छा तुम दोनों भाई बैठ के बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए ना रोटी पका के लाती हूँ। अम्मा खाना नहीं खाऊंगा मैं तो लाजो के साथ खाऊंगा। वैसे किधर है वो, नजर ही नहीं आ रही। मुझे क्या पता पुत्र कहाँ गई है वो, ना ही वो कुछ बता के जाती है कि कहाँ जा रही है और कब वापस आना है उसने। कोई नहीं अम्मा, सहेलियों को मिलने गई होगी अपनी, आ जाएगी वापस। वैसे दिलावर पुत्र अपनी बीवी पर ना सख्ती कर, इतनी ढील अच्छी नहीं होती ना, वो घर के कामों में हाथ बटाती है और ना कहीं जाने से पहले इजाजत लेती है, इस तरह तो वो हाथों से निकल जाएगी पुत्र। अरे अम्मा इतना वहम ना पाला कर, मुझे बुरा यकीन है अपनी लाजो पे, इतना तो करती है वो हम सब के लिए। आ, खेत स्वा करती है। ओ अम्मा आप छोर भी दो, हर टाइम मेरे हीरे जैसी भाभी के पीछे पड़ी रहती हो। पुत्र हीरे में ना जहर होता है, और जहर जब जबान को लग जाए ना तो कुछ नहीं बाकी रहता। ओ लाला तू छोड़ दे अम्मा को, ये तो पाले में तोला और पाले में माशा है, लेकिन अम्मा प्यार बड़ा करती है भाभी से। मैं जानता हूँ, मैं भी अम्मा की बात जो है ना एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छा करती हो लाला। यकीन जान लाजो मैंने बड़ा बड़ा हुसन देखा है, लेकिन तेरे जैसा हुसन नहीं देखा। ये तू जब आंखों से देखती है ना तो रगे काट देती है। ना बस कर दे, तो झूठ ना बोल, पता मुझे तू मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है।
और नहीं मैं तेरी झूठी तारीफ क्यों करूं? तो तू है इतनी सोनी कि तुझे देख कर ना अब मैं क्या ही कहूं। ना तुझे पता है मेरी सारी सहेलियां भी यही कहती हैं कि तू एकदम हीरोइन लगती है। वो तो सही कहती हैं। तुझे पता है अगर तू कराची या लाहौर में होती ना तो अभी फिल्मों में हीरोइन होती। हाय, तो फिर तो शादी के बाद मुझे शहर ले जाएगा। मेरा बड़ा दिल करता है ये बड़े बड़े घरों में रहने का, नौकरों चाकरों पे हुक्म चलाने का। किसकी शादी? ना किसकी शादी, तेरी और मेरी शादी। तू क्या समझा है? हाँ समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, जब तू अपने अब्बे नाल गल करेगा ना तो फिर मैं दिलावर को छोड़ दूंगी। ओए अब्बा से याद आया, मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैं जाना जरा। ना बैठ जा थोड़ी देर। ओ बहुत जरूरी काम है, अगर मैं ना गया ना तो बड़ा नुकसान हो जाना है। आइया ना जदों भी मैं ये गल करूं ना। चल आ जा, मैं ताला भी लगाना है। कहाँ रह गई थी तू? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। वो मेरी सहेली की तबीयत खराब थी ना, इसलिए लेट हो गई। चल यार रोटी खा ले, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरी वजह से मैंने भी नहीं खाया। ना तू खा रोटी, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं सोने लगी। थोड़ा सा तो खा ले, अम्मा ने तेरा पसंद का गोभी गोश्त बनाया। ना तुझे एक बार समझ नहीं आ रही, मेरे सर में पहले ही दर्द है, मुझे तंग ना कर। चल आ फिर दवाई ले आए जाके, ऐसे कैसे सोएगी? मैं सो जाऊंगी, मैं थोड़ी देर सो के उठूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तू जा। लेकिन दवाई के बगैर तू मुझे सोने देगा या मैं कमरे में जाके सो जाऊं? अच्छा नहीं नहीं तू लेट आराम से, मैं नहीं कुछ बोलता अब। बड़ा बड़ा शुक्रिया। भाई मैंने बड़ा हुसन देखा है लेकिन तेरे जैसा हुसन नहीं देखा। और तू जब चलती है ना तो दिल करता तुझे वहीं पकड़ लूं। अच्छा जी, और क्या क्या खूबियां हैं मुझ में? और तू है ही चलती फिरती आग का गोला, और तुझे देख कर ना दिल करता मैं भी साग में जल जाऊं। वैसे ना तू ये डायलॉग और कितनी लड़कियों को चिपका चुका अभी तक। तू है इतनी सोनी, तुझे देख कर ना खुद ब खुद तारीफ निकलती है मेरे मुंह से। अपनी ना ये बातें कहीं और जाके आजमा, मैं तेरे हाथ आने वाली चीज नहीं हूँ, आई समझ? और समझ तो तू नहीं रही है, और तुझे ना अपनी कदर का अंदाजा नहीं है। मेरे से शादी कर ले, रानी बना के रखूंगा तुझे शहजादी है। मैं कोई लाजो नहीं हूँ जिसे तू अपनी चिकनी चिपड़ी बातें सुना के ना शीशे में उतार लेगा। नसीबो नाम है मेरा और सब जानती हूँ मैं। जानती है तो अपना मुंह बंद रख, तू जानती नहीं है तेरी सारी जमीनें अभी हमारे कब्जे में है, अगर कुछ किया ना तो जमीनें भी खा जाऊंगा, तेरा पता भी नहीं लगेगा, आई समझ? परसों हो सकता है मैं शहर जाऊं, कुछ मंगाना हो तो बता देना, खाद भी खत्म हो गई है। अल्लाह करे इस दफा फसल अच्छी हो जाए,
चार पैसे जुड़ जाएंगे। लाला, चौधरी का कितना कर्ज रह गया? एक आध साल में तो उतर जाएगा ना। इतने सालों से कर्ज चुका रहे हैं, पता नहीं कब जान छूटनी है इस कर्ज से। छूट जाएगी अम्मा, क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना। फिक्र कैसे ना करे लाला, आधी से ज्यादा कमाई तो वहां दे देते हैं, ना कुछ बचता और ना कुछ बनता है। क्यों ना हम जमीनें बेचकर शहर जा बसें, चलो चार पैसे आ जाएंगे, अपना कारोबार ही स्टार्ट कर लेंगे। हाशिम, ये जमीनें नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। वो दिन बदलते देर नहीं लगती, दोनों भाई मिलके करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे की जबान मुबारक करेगा अल्लाह। अब परसों जा रहा हूँ, बता देना क्या चाहिए, फिर पता नहीं कब चक्कर लगे शहर का। बिच्छू इंसान बनेगा और इंसान बिच्छू। कुछ भी करूंगा तेरे लिए, अपने मुंह से जो बात निकालेगी पूरी करूंगा। मुझे तो ना अभी भी सोच सोच कर खुशी हो रही है कि दिलावर ना सवेरे शहर जा रहा है। तूने बात की उससे? ना टाइम ही कहाँ मिला उससे बात करने का, रात ही आएगा तो कर लूंगी ना। वो कर लें, ध्यान से उसको मना लें, उसको कहीं तूने अपनी माँ के घर जाना है, वो तुझे टांगे में बिठाएगा, आगे जाके उतर जाए फिर। और फिर तू मुझे अपने साथ अपनी हवेली पर ले जाएगा। तुझे तो सब कुछ याद है। लो भला, होंगी कैसे नहीं, जब भी दिलावर शहर जाता है ना, यही तो कहती हूँ, याद तो होना ही है। बड़ी तेज हो गई है तू, तुझसे तो मुझे मशवरे लेने चाहिए। तो फिर कर लेना तू मुझसे शादी, मशवरे की जान भी दे दूंगी। तो मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, तू नहीं होगी तो मैं हवेली किसको लेके जाऊंगा। किड्डा मतलबी है तू। चल चल। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि बिच्छू और इंसान में से ज्यादा खतरनाक कौन है। एक का काम डंग मारना है और दूसरे का दगा देना। फैसला नहीं कर पा रहा था, तुम बताओ। जानते हो बिच्छू और इंसान को अगर एक एक जिंदगी और मिले तो वो क्या बनेंगे? बिच्छू इंसान बनेगा और इंसान बिच्छू, क्योंकि फितरत दोनों की एक सी है, चाहे वो हजार शक्लें बदले। डंग मारना, दगा देना, गांव की याद आ रही है आपको? वो एक जहन्नुम था। जन्नत था वो आपके लिए। काश काश वो सब कुछ ना हुआ होता।
बरसों बीत गए हैं गांव छोड़े हुए, लेकिन आज भी मुझे सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की बात है। वक्त भी बड़ा अजीब सा तूफान है, खुद तो गुजर जाता है लेकिन आदमी का सब कुछ बर्बाद कर जाता है। हाशिम आया बैठ जा यार, तेरे साथ कुछ बातें ही कर लूं। क्या बात है लाला, खैर तो है? आज बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हो। यार अभी मैं उस तरफ से आ रहा था ना, जब खेतों को देख के मेरे दिमाग में ख्याल आया एक। वो क्या लाला? जब मेरे बच्चे होंगे ना, उन्हें भी ऐसे ही कंधों में बिठा के पूरा गांव घुमाया करूंगा, जैसे तुझे दिखाता था मैं। और 20-30 साल के बाद ना इन्हीं खेतों पे वो काम कर रहे होंगे। लाला मैं अपने बच्चों या खेतों में नहीं काम करने दूंगा, मैं तो उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाऊंगा। और जिंदगी में जो कुछ हमें नहीं मिला ना, उनको देना है। अल्लाह ने चाह तो जरूर देंगे। बात की थी अम्मा से मैंने कि अच्छा रिश्ता आ गया, तेरी भी शादी करा देंगे। ओ लाला मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये तो तू अभी कह रहा है, तेरी शादी होएगी ना तुझे पता लगेगा मोहब्बत क्या होती है। ऐसी ठंड पड़ती है ना दिल में, सारी तकलीफें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन जितनी मोहब्बत तू भाभी से करता है ना, शायद ही कोई इतनी मोहब्बत किसी से करता हो। अल्लाह से सब मांगते हैं, मिलती किसी किसी को है। क्या समझे? समझ गया लाला, समझ गया। बादाम खाया कर, चला घर चली रोटी खाए। ला मैं सब्जी बना देती हूँ, तू सुबह से काम कर रही है ना, थक गई होगी। रहने दे। आज सूरज किधर से निकला है जो इतना ख्याल आ रहा है मेरा? ना अम्मा मैं तो तेरा शुरू से ही बड़ा ख्याल करती हूँ, अब तू खुद ही काम करती रहती है तो मैं क्या करूँ। जो बात दिल में है ना कह दे, इस तरह खाम खा लपेट लपेट के मक्खन ना लगा मुझे। ना अम्मा बात क्या होगी, कल मैंने अपने मेके जाना है ना अम्मा, तो मेरा दिल ना बड़ा ही दास दास हो रहा है अम्मा, मैं तुझे ना बड़ा ही याद करूंगी। मेके जाना है तूने? किससे पूछ के? ना मैं किससे पूछूंगी अम्मा, मेरा कार है वहां पे, मैं जब मर्जी जाऊं, ना मुझे कोई रोक सकता है। वैसे बड़ी बेशरम है तू, बड़ों का ना अदब है ना लिहाज है, है? अदब लिहाज ना उनका किया जाता है जो करते हो ना, तुम सारे तो मेरे पल्ले ही पड़ गए हो। पल्ले तो तू पड़ गई हमारे नुहसत की मारी हुई, औरत नहीं है तू, डैन है, डैन सबको खाएगी फिर सुकून मिलेगा तुझे। देखे देखे आपने अपनी माँ को, रोजाना तेरी अम्मी मुझे ऐसे ही बेइज्जत करती है, डाइन कह रही थी मुझे, मैं तो खुद ही सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती। दिलावर पुत्र ये सब कुछ झूठ बोल रही है, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं। बस कर अम्मा, रोज का ही लगाया होता है,
मैंने नहीं बात करनी इसके बारे में। दिलावर सुन तो सही पुत्र है। जान दिया तो अपना मुंह बंद रख। अगर कुछ किया ना तो जमीनें भी खा जाऊंगा, तेरा पता भी नहीं लगेगा। तेरे मुंह से मेरी लाजो के खिलाफ एक और लफ्ज निकला ना, इधर ही गाड़ दूंगा तुझे। अच्छा छोड़ दे नाराजगी, अब तुझे कल भिजवा दूंगा तेरी माँ के पास गाँव, जितने दिन रहना हो रह लई। अब क्या जान लेगी? दिलावर मुझे लगता है कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता तुझसे अलग होने के बारे में। अच्छा तू जानती नहीं तू मेरे लिए क्या है, तू जो कहेगी मैं तेरे लिए करूंगा। अलग घर चाहिए, अलग घर दिला दूंगा, सिर्फ रात का ढेर लगा दूंगा तेरे सामने में। और बोल, कभी पीछे नहीं हटूंगा, कुछ भी करूंगा तेरे लिए, अपने मुंह से जो बात निकालेगी पूरी करूंगा। बस आइंदा ऐसे मुझे छोड़ने की बात ना करी। अच्छा अच्छा बस मेरे मुंह से निकल गया था, अब नहीं करूंगी। पर मुझे ना तेरे गुस्से से बड़ा खौफ आता है, तू गुस्सा करना छोड़ दे। छोड़ दूंगा, पर तू मुझे ना छोड़ी। नहीं छोड़ूंगी। जो के बारे में कोई लफ्ज़ ना निकली तेरे मुंह से, तेरी जान ले लूंगा अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो। मोहब्बत में हारे हुए इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर पत्थर का बन जाए, या फिर उसके अंदर की आग सब कुछ जला कर राख कर दे। जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं मैंने उन्हें सफेद रंग में ही देखा है, सफेद रंग ही उन पर जचता है। देखो हमारे असूल सबके लिए बराबर है, चाहे वो कबीर ही क्यों ना हो।